गाइस वेलकम बैक टू पिम्स वर्ल्ड और आप सबका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो एज यूजुअल आप लोगों को पता ही है कि सुबह सुबह मैं कहाँ जाता हूँ, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आज मेरा लास्ट डे है ड्राइविंग क्लास का, उसका लास्ट डे है तो मैं आज वहीं जा रहा हूँ। एंड आज एक और चीज़ है, आज हम कवर करेंगे मुहर्रम। आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, बट इट्स अ फेस्टिवल जो मुस्लिम लोग सेलिब्रेट करते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, उतना खास डिटेल में मेरे को भी नहीं पता है। तो इसके बाद थोड़ा रिसर्च करेंगे, वीडियो को कैप्चर करेंगे एंड जो आज जो भी होगा तो सब कुछ हम लोग मतलब देखेंगे विस्तार से, मतलब क्या चीज़ होता है इसमें, क्या मतलब किस चीज़ में लाया जाता है वगैरह वगैरह। इतना खास मेरे को भी नहीं पता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और मैं अभी पैदल चल रहा हूँ क्योंकि गड्डी नहीं है, अभी सीख रहा हूँ, तो बाद में लेंगे गड्डी गुड्डी भी। सांस फूल रहा है यार। और वन थिंग, यहाँ पर ज़्यादातर सांस फूल जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा ब्लॉग में, तो फेफड़ा बाहर आ जाएगा मेरा। चलो तो गाइस अब मैं अपना क्लास कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद मिलेंगे हम थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बने रहे वीडियो में और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर, वीडियो को चैनल को दोनों को, आपको पता है क्या करना है, कर दो भाई लोग। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अभी के लिए बाय। ठीक है, मिलते भाई। ओके, तो गाइस अभी मैं पहुंच गया अपने ड्राइविंग क्लास के बाद। तो ये रहा NH1। अगर किसी को ड्राइविंग सीखना है तो बहुत लगाव से हो तो मैं सीख सकते हो, बढ़िया सिखाते हैं बंदे, एक अच्छो है मतलब वो बढ़िया सिखाते हैं। ठीक है, मतलब हर कुछ विस्तार से सिखाइए क्योंकि देखो मेरे को कुछ नहीं आता था और अभी चौथे गियर पे भगाता हूँ बढ़िया, इसी बात नहीं। ये है कि चौथे से ऊपर वाले उस गाड़ी में गियर ही नहीं, इसलिए मैं इसके ऊपर भगा नहीं पाया। पर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर भगाएंगे क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है तेज भागना। चलो तो अच्छा आगे उधर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। ये तो गाइस अभी हम लोग वहीं निकल गए, एक गड्डी यही है एंड नाश्ता करेंगे हम यहाँ पर। अच्छा हाथ धोरे, शालीमार रेस्टोरेंट। तो गाइस अभी हम लोग दुकान की तरफ जा रहे हैं, आज मैंने दूसरा रूट पकड़ा है। सांस फूल गया, नाश्ता दबा के आया था तो पेट में भी दर्द हो रहा है, छाती में हवा कम पड़ गया तो सांस भी फूल रहा है। और देखो भाई, ये है रॉयल एनफील्ड बाइक की पूरी मतलब क्या बोलते उसको, शोरूम एंड सर्विस वाला सिस्टम पूरा, मेरे को पर हिमालयन पीछे पूरा है। तो यहाँ पर अगर आप में से किसी को भी बाइक लेना होगा तो नया बाइक मिल जाएगा इधर। एंड ये हंगर आए यहाँ से, इधर हमारा रेस्टोरेंट है। चलो गाइस रेस्टोरेंट पहुँच के मिलते हैं क्योंकि पापा के लिए उधर, तभी जल्दी निकलना है। तो ठीक है, बाय। और पापा अकेले अंदर काम कर रहे हैं, धूपा निकाल दिया पापा ने। अब मेरा काम है, मामा ने प्याज पूज काटना है। चलो काम करते फिर मिलते थोड़ी देर बाद, बाय। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं मुहर्रम देखने। छोटू मेरा है, अरेश भाई भी है मेरे साथ। तो अब हम लोग देखेंगे क्या होता है कैसा है, क्योंकि बहुत कुछ सुना है भाई इसके बारे में। बोल रहे हैं कि मतलब पहले खुद को चाकू से मारते हैं ये, फिर जब शरीर पे थोड़ा घाव वगैरह हो जाता तो उसके बाद समथिंग वो लोग क्या घोड़े के कुछ बोल रहे थे, घोड़े के जैसे जैसे जाएंगे वैसे वो ठीक हो जाते हैं बोला, जो घाव वगैरह पता नहीं ऐसा ऐसा बोल रहे। देखते हैं क्या है असली कहानी। फिलहाल जाएंगे उधर
और लोकेशन में जाके शूट करेंगे थोड़ा बहुत, देखते हैं क्या सच्चाई है। आज करेंगे सच का सामना, मजाक कर रहा हूँ। चलो ठीक है, वहीं जाके मिलते हैं, बाय। ओके तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए, और देखते हैं यहाँ पर क्या है। चलो तो फ्रंट से अब आगे जाते हैं हम लोग, कैमरा को स्विच करते हैं। लाल अभी कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर वगैरह फुल तैयारी के साथ कोल्डिंग शोल्डरिंग बांट रहे। अरे माहौल ही कुछ और है आज तो। देखो भाई लोग अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है फिलहाल, फिलहाल के लिए ये सब हो रहा है अभी। मामिया यूथ फेडरेशन ले, ओए ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मुफ्त पे बांट रहे इधर। अभी हम लोग शूट करेंगे अच्छे से। कोई तो मान चल रहा, वो भाई पीछे छूट गए हमारे साथ जो आए थे। अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जब स्टार्ट होगा तो अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ मेडिकल कैंप वगैरह सब लग चुका है भाई, देखो कितना मस्त सजाया है, और दुकानें सब बंद है। तो गाइस जैसे स्टार्ट होगा तो हम उसको वापस कंटिन्यू करेंगे। दो बच्चे बड़े घूर रहे थे, थोड़ा मिलते थोड़ी देर बाद। यहाँ पर पूरा चल रहा है मुहर्रम, ओके तो मार्चिंग स्टार्ट हो गया है। गाड़ी वाला ने सब कुछ क्या बोलते हैं उर्दू बोलेंगे या अरबिक बोलेंगे लिखा हुआ है। जितना भी हो सके तो मैंने कैप्चर किया, इससे ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रूटल था एंड बच्चों के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने ब्लॉग बंद कर दिया। तो वापस जा रहे हैं हम लोग। ओके तो गाइस आज के लिए ब्लॉग इतना ही है, मतलब आज के ब्लॉग में ही ख़त्म करते क्योंकि भाई आप लोगों ने देखा जैसे कि बहुत ब्रूटल था वो। तो मेरे साथ एक बच्चा भी था क्योंकि छोटा भाई, तो मतलब बच्चे के लिए थोड़ा समझ नहीं होना, मतलब इतना मतलब खून खून था। तो मैं सोचा उसके लिए सही नहीं है ये सब, तो मैं उसको वहाँ से लेके आ गया। एंड मुहर्रम फर्स्ट टाइम मैंने मतलब देख लिया कि कैसा होता है, तो भाई बहुत मतलब जिगरा चाहिए देखने के लिए। ठीक है, मतलब कि इतना खून, मैंने एक साथ इतना खून कभी नहीं देखा इंसान को भी।
पकड़े करते थे, तो वो तो अलग पकड़े करते तब भी भाई, तब भी मैं मतलब डर जाता हूँ खून देख के, पर वो तो इंसान का खून था। जो भी था भाई, थोड़ा मतलब उनके लिए वो नॉर्मल होगा पर मेरे लिए थोड़ा अलग ही था वो। तो जो था था, अब वीडियो वहीं पर बंद करते क्योंकि बहुत काम है अभी। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो यार भाई, कर दो बस जैसे भी हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।